अच्छा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा मींस एनी एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम और अ डेटा दैट सपोर्ट्स और परफॉर्म फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, पिछली क्लास में हमने जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या था कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो सेंसिटिव हमारे डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर जो भी गवर्नमेंट का जो हमारे पास जो है इदारों का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उनका फिजिकल फॉर्म के अंदर जो चीजें थी उसको हमने जो है वो मैंने आपको समझाया था कि उसे हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्किंग कैपेबिलिटी जो या वहाँ का जो सिस्टम है जो वहाँ पर उस सारे सिस्टम को चला रहा होगा और उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंकिंग सिस्टम है या हमारे पास जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का भी अपना डेटा बेस है और उनका उनका जो जो इंटरनेट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है वो भी सारा जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा कहलाएगा या डेटा कहलाएगा, ठीक है। उसको जो परफॉर्म उसकी जो सिस्टम को परफॉर्म करने में जो प्रोग्राम यूज हो रहे हैं या जो उसके अंदर चीजें स्टोर्ड हुई हैं वो सारी की सारी जो है उसका सिस्टम का हिस्सा कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, डैमेज टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स एन ऑथोराइज्ड चेंज इन द ऑर्डिनरी वर्किंग of an information system that impairs its performance, access, output or change in location, whether temporary or a permanent and with or without causing any change in the system. अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया है कि जनाब damage to information system का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये लिया जाएगा, it means that any unauthorized change, authorized change की हम बात नहीं कर रहे, यानी अगर कोई अगर जो वहाँ का कोई वर्किंग पर्सन है या जो वहाँ का बंदा है वो अगर उसके अंदर लीगल तरीके से जाके कोई उसकी सिस्टम में चेंजिंग करता है उसकी बात नहीं हम कर रहे। अनऑथराइज मींस गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी परमिशन के लीगल किसी किस्म की वर्किंग कैपेबिलिटी उसकी खराब करना या उसके अंदर जो भी सिस्टम काम कर रहा है उसके अंदर उसको जिसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देना या उसके अंदर एक डेटा किसी एक उसमें जो है वो मौजूद है किसी खास मखसूस फाइल नेम के साथ उसकी सिर्फ लोकेशन चेंज कर देना ताकि जो है वो काफी टाइम तक लोग ढूंढते रहें और परेशान होते रहें जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं और उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो है वो टेम्पररी तौर पर या परमानेंट मुतासर हो तो उसको हम कहेंगे डैमेज टू काजिंग अ डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब जो डेटा है उसके अंदर डेटा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डेटा इंक्लूड्स कंटेंट डेटा एंड ट्रैफिक डेटा। अब ट्रैफिक डेटा क्या चीज है, ट्रैफिक डेटा हम कहते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर चीजें मूव हो रही हो, यानी या तो आप किसी को सेंड कर रहे हैं या कोई रिसीव कर रहा है या आप रिसीव कर रहे हैं किसी के सेंड किया हुआ ईमेल या आप किसी को SMS सेंड कर रहे हैं या कोई दूसरा आपको मैसेज सेंड कर रहा है या आपने किसी को कोई फाइल ईमेल की है या किसी दूसरे शख्स ने आपको फाइल ईमेल की है तो ड्यूरिंग ट्रांजिट जो डेटा जो है किसी को सेंड हो रहा है या किसी को रिसीव हो रहा है तो ये जब तक सिस्टम के अंदर डेटा मौजूद रहता है और रिसीव और सेंड नहीं हो जाता तब तक वो क्या कहलाता है, वो तब तक जो है ट्रैफिक डेटा कहलाता है। ट्रैफिक डेटा हम हमेशा उसे कहते हैं जो डेटा सिस्टम के अंदर मूविंग फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डेटा डैमेज। डेटा डैमेज मींस ऑल्ट्रेशन भी उसमें आ जाती है, डिलीशन भी आ जाती है या फिर उसको डिटेरियरेशन यानी के उसको वहां से जो है डिस्पर्स कर देना या एरेज या एरेजर है या फिर रीलोकेशन। रीलोकेशन मींस एक जगह से उसको दूसरी जगह मूव करके रीलोकेट कर देना, सप्रेस कर देना टेम्पररी तौर पर, उसको गायब कर देना यानी के, और मेकिंग डेटा टेम्पररीली और परमानेंटली अनअवेलेबल। तो किसी भी किस्म का कोई भी इन सब में से किसी भी किस्म की कोई भी एक्ट के अगर डेटा के साथ परफॉर्म किया जाएगा तो वो डेटा डैमेज के अंदर आएगा। अब डिवाइस लफ्ज आ गया हमारे पास, इससे हमें क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल।
Device include subclass A, physical device or articles, B, any electronic or virtual tool that is not in physical form, C, a password, access code or a similar data in electronic or other form by which the whole or any part of any information system is capable of being accessed, D, automated self-executing adaptive or autonomous devices, programs or information system. अब डिवाइस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्या क्या चीजें, फिजिकल डिवाइसेस भी आ जाएंगी या उसके साथ कनेक्टेड आर्टिकल्स भी आ सकते हैं उसके साथ जो भी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल टूल्स। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में, और वर्चुअल टूल्स होती हैं आपके प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर, वो आ गए आपके इसके अंदर सारे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है पासवर्ड जो होगा, अगर किसी किस्म के पास जो है वो एक इदारों के अंदर या पास जो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो यूज होते हैं पासवर्ड्स होते हैं, या कोई वहां पर जो है वो एक्सेस कोड होता है वो किसी एक डिस्क के अंदर सेव होता है या किसी भी एक फ्लॉपी के अंदर होता है या किसी यूएसबी के अंदर होता है, तो वो भी जो है वो डिवाइस की तरह ही काम करता है। जब तक वो एक्सेस कोड या पासवर्ड एंटर नहीं किया जाता, वो किसी कार्ड की शक्ल में भी हो सकता है, तब तक वो डेटा जो है वो उसको उसमें एक्सेस हासिल नहीं होता या उसका जो लॉक है वो अपनी जगह काम करता रहता है और उसको एक्सेस नहीं देता। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है, इन अदर फॉर्म भी हो सकता है, बाय विच द होल और द एनी पार्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेस। जैसे मिसाल के तौर पर आपके साथ अगर डेबिट कार्ड है तो वो भी एक कोड है, पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपके पास जो है वो वीजा कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ अमाउंट मौजूद होता है। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम भी हो सकता है, जैसा कि आपके पास एटीएम मशीन्स है तो वो ऑटोमेटेड मशीन्स कहलाते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हो सकती है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम, और या फिर अडॉप्टिव और ऑटोनोमस भी हो सकता है, डिवाइसेस ऐसी हो सकती है जो खुद का अपना प्रोग्राम परफॉर्म करती रहे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पैसे विड्रॉ करते हैं या आप ऑनलाइन किसी को सिस्टम में भेजते हैं पैसे, तो उसके अंदर जो है आपके आपकी जो है स्टेटमेंट होती है बैंक की, उसके अंदर जो खुद ब खुद चीजें ऐड हो जाती हैं, खुद ब खुद पैसे जो है वहां से माइनस हो जाते हैं, तो ये एक सिस्टम है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, जो खुद ब खुद अपने तौर पर काम करता है, उसके अंदर बंदे नहीं मौजूद होते काम करने के लिए। अच्छा, ऑटोनोमस बॉडी वो होती है कि जैसे जब भी कोई एक्ट किया जाता है तो उसके अंदर खुद ब खुद सारा सिस्टम जो है वो चीजों को एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसी तमाम डिवाइसेस इसमें आ जाएंगी, और उसके अलावा प्रोग्राम। अब हमारे पास ऑटोनोमस के अंदर आप देखें, मोबाइल फोन है, आपको जब कोई कॉल आती है तो आप उसके अंदर अलाउ नहीं करते, कॉल खुद ब खुद आपके पास रिसीव आ जाती है और आपको इंडिकेट होना शुरू हो जाती है कि समवन इज कॉलिंग यू, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करके यानी उसको कॉल को अटेंड करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी जो डिवाइस है या जो आपका मोबाइल फोन है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी उसके अंदर अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो खुद ही आपको वहां से मैसेज भी रिसीव होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स आती जाएंगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आपको ईमेल, यानी जैसा कि हम चाहते हैं कि भाई अपनी डाक रिसीव करते हैं फिजिकली, अगर हम नहीं रिसीव करते तो हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पास आती चली जाती है आपके मेमोरी बॉक्स के अंदर। तो आपका जो मोबाइल फोन है वो एक किस्म का ऑटोनोमस है, तो आपकी डिवाइस है ऑटोमेटिक है, वो खुद ब खुद काम करती है, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं या उसके अंदर जो आपका सिस्टम है आपके मोबाइल फोन के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि जनाब ये एंड्रॉइड सिस्टम कहलाता है, तो ये भी एक प्रोग्राम है और ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ऑटो एग्जीक्यूटिंग है। इसके अंदर आपको खुद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, चीजें ऑटोमेटिकली बहुत सारी होती चली जाती है। अच्छा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है ऐसी इंटेंशन या सच इंटेंशन which is for to cause the injury or for the purpose of wrongful gain or wrongful loss or harm to any person or to create hatred or incitement or violence, yani kisi bhi kisam ke galat kaam karne ke liye jab aap
यानी इलीगल पर्पस के लिए अगर आप कोई एक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कोई एक्ट ऐसा किया जाए जिसकी इंटेंशन जो हो वो या तो किसी को इंजरी काज करने की हो या कोई जो है किसी किस्म का रॉन्गफुल, किसी किस्म का जो है वो इलीगल पैसा हासिल करने की हो या किसी का गैर कानूनी तौर पर पैसा जाया करने की हो, इलीगल लॉस हो किसी को या किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत हो, तो वो कहलाती है आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसमें किसी का नुकसान ही हो, फायदा ना हो। अच्छा, जब हम बात इलेक्ट्रॉनिक की करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है, इलेक्ट्रिकल आ जाती है, डिजिटल चीजें आ जाती है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल आ जाती है, बायोमेट्रिक सिस्टम उसमें आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वायरलेस सारा जो भी हमारे पास अभी काम कर रहा है सिस्टम वो इसमें आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आ जाती है। अच्छा, अब ये जो वेव्स हमारे पास आती हैं जिसे हम गामा या बीटा रेज भी कहते हैं, उसके जरिए हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं। जो सिग्नल्स हम रिसीव कर रहे होते हैं वो ऑटो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा होगा सब कुछ, तो ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन क्या है, जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं, मींस एन इंफॉर्मेशन व्हिच मे ऑथेंटिकेट और आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल और एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनेबल एक्सेस टू एनी डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी अगर आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा अगर आपका डेबिट कार्ड है वो आपको आइडेंटिफाई करता है, उसके जरिए आप किसी भी सिस्टम कहीं पर भी किसी भी एटीएम में जाकर अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जिसके जरिए ऑथेंटिक होता है कि आप, क्योंकि जब आप अपना जो एटीएम कार्ड एंटर करते हैं तो उसके अंदर आप अपना आइडेंटिटी कोड भी डायल करते हैं साथ, उसके जरिए ये ऑथेंटिकेशन जाती है कि जनाब बिल्कुल ये सही बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, सुन रहे हैं आप लोग या नहीं? हेलो, यस यस मैम, सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं कोई सुन ही नहीं रहा, मैं खुद ही खुद बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैम, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों को समझ आ रही है, यहाँ तक समझ आ गया है सबको? मैम जी, काइंडली थोड़ा रिपीट कर जो मैम, सिग्नल प्रॉब्लम है मोमेंट। अच्छा, तो छा रिपीट करनो है मैम, जे कछ समझ में ना मां पहिरीं ॻाल्हि त मैम हाणे इन ई हाणे आयो आहियां, तव्हांजो आवाज़ कटजी कटजी पियो आयो, मां कुझु कैनिंग कयो आहे, ॿुधो ई न। तो हुन जे लाइ हिकिड़ो सोल्यूशन आहे, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग विद यू। जैसे जीअं माना फर्स्ट क्लास हुई पंहिंजी, त हुन में पाण रिकॉर्डिंग यूट्यूब ते अपलोड करे मां लिंक मोकिले छॾी हुई न, ईअं ई आऊं तव्हांखे अॼु वारी क्लास जी लिंक अॼु ई मोकिले छॾी, तव्हां भले हुन मां क्लियरली समझी वठजो। बाकी जेकॾहिं हींअर काश समझ में न आई आहे त उहो तव्हांखे आउं सम्झाए सघां, लेकिन पूरी लेक्चर जी ॻाल्हि आहे, उहो लेक्चर तव्हां आराम सां ॿुधी वठो शाम। मुंहिंजो इहो हिकिड़ो सोल्यूशन आहे, ठीकु है भाई? इहा बात समझ आई है कि भाई आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, सही है? ठीक है। बाकी अगर कहीं कंफ्यूजन हो, जैसे आपने मेरा लेक्चर भी सुना और फिर भी आप लोगों को जो है, ठीक है, self-executing device is a such device which performs the function automatically without any command. yani aapko khud koi command nahi deni pad rahi na, aap usko jo hai uske andar koi act kar rahe hain, kuch bhi nahi kar rahe, lekin wo apne kafi sare functions jo hai wo khud ba khud perform karti ja rahi hai. uske liye uski maine misal di na, jaise aapka apna mobile hai to ye self executing hai ek tarah se, yani isme messages receive ho rahe hain, आप अगर जो है वो बैठे हुए और आपका इंटरनेट ऑन है तो आपको ईमेल्स भी रिसीव हो रही हैं, आपको कॉल्स भी आ रही हैं, उसके अलावा जो है अगर कोई आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में भेज रहा है तो वो भी आपका रिसीव होता जा रहा है, तो ये आपका जो मोबाइल फोन है वो सेल्फ एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी ये चीजें खुद ब खुद कर रहा है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद ब खुद सारी चीजें करता चला जा रहा है, कॉल भी आपके पास आ रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं, तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, तो जो काम खुद ब खुद करे कोई भी मशीन वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। अच्छा, अब आपका लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है, वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर रहा, जब आप उसको ऑन करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटेड मशीन कहलाएगी, क्योंकि उसमें उसने खुद तो नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिकली काम जरूर करती जाएगी।
जब आप उसको कमांड देंगे यानी जब आप उसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर आप जब उसके अंदर अपनी आ जाकर आईडी ओपन करेंगे तो आईडी ओपन होगी, तो ये ऑटोमेटिकली आईडी ओपन हो रही है, सारे काम हो रहे हैं लेकिन विदाउट योर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी वो सारी चीजें। और मोबाइल फोन में क्या हो रहा है कि मोबाइल फोन में सारी चीजें खुद ब खुद होती चली जा रही है, तो उसमें आपके लैपटॉप में और मोबाइल फोन में फर्क है बहुत। तो आपका मोबाइल फोन इसलिए क्या कहलाएगा, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, 50% सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, बाकी की जो 50% कमांड है वो आपको देनी पड़ती है, लेकिन अदरवाइज वो चीजें खुद ब खुद करता चला जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम, समझ आ गई आपको। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे फर्दर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है।